आइए, आप लोगों को बताया कि अरौदा जेल में गांधी जी ने, गांधी जी के मित्र ने जो अरौदा जेल में चरखा दिया था वो ये चरखा है जो आपके सामने पड़ा हुआ है। इसको पेटी में बंद कर देते हैं चलाने के बाद। इसके पार्ट्स के बारे में, बहुत पार्ट्स नहीं लगते इसमें, ये है अरौदा चक्र, इसी को अरौदा चरखा कहते हैं। इसके पार्ट्स निम्न हैं, इसको गति, इसको मूल चक्र कहते हैं, इससे छोटा वाले को गति चक्र कहते हैं, इसको कताई मुढ़िया बोलते हैं, जिससे सूत काटा जाता है यह है तकला, इसी में रुई, देसी रुई से क्रमशः चलाते हुए इस तरह से सूत काटा जाता है। पूरा इजी होता है ये चरखा चलाना और इसे एक दिन में 200 से 300 ग्राम सूत काटा जा सकता है। ये मूल चक्र है, इसको मूल चक्र धुरा में डाल देते हैं। इसके बाद ये गति चक्र है, गति चक्र के नीचे घड़ी घिरी बनी होती है जिसमें मोटी माला लगाई जाती है, तो इसको गति चक्र धुरा में डाल देते हैं और फिर नीचे वाली घिरी में मोटी माल को लगा देते हैं इस तरह से। ये चलना शुरू होता है, उसके बाद ये पतली माला इसके ऊपर वाली घिरी में लगा देते हैं और फिर तकले में फंसा देते हैं जो मोड़िया के सहारे, अपने हिसाब से इसको टाइट ढीला किया जा सकता है जितनी आवश्यकता हो। और इसको चलाने से क्रमशः गति में तेज होते चले जाता है, इससे ज़्यादा गति इसकी होती है, इससे ज़्यादा गति इसकी हो जाती है। बड़ा और छोटा, जितना बड़ा चलाने वाला होगा और चलने वाला जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा रफ्तार बढ़ता है, इसलिए क्रमशः इसको छोटा बड़ा और छोटा किया गया है ताकि इसको कम चलाना पड़े और स्पीड हमको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो आपने देखा कि अरौदा चक्र कैसे चलाया जाता है, इसको चलाना बहुत ही आसान है और गांधी जी ने इसे ही चला करके, जेल के अंदर रह करके चला करके एक एक धागा तैयार करके लोगों को स्वावलंबन दिए और स्वतंत्रता हासिल किए। तो आपने देखा कि हाथ चरखा कैसे चलाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं या रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल कौन सा उपयोग होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये है देसी पंजाब, ये मोटे रेशे की रुई होती है, इसे 9 से 12 नंबर तक का सूत काटा जाता है। इससे जो धागा तैयार होता है उससे तौलिया, खेस, गमछा आदि बनाए जाते हैं। और इससे बारीक धागा बनाना होता है तो हम LSS जरीला रुई जो महाराष्ट्र से आती है और उसका प्रयोग करते हैं। उसका हम सूत 17 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक काट सकते हैं। उससे बारीक कपड़ा जैसे कुर्ते का, पैजामा का, धोती में उसे उपयोग करते हैं। और मोटे काम में ही हाथ के चरखे का प्रयोग किया जाता है और इसलिए ये दो ही रुई इसका प्रयोग में लाया जाता है। जब मोटा पतला करना होता है ये इसकी गुणवत्ता रेशे पर होती है, रेशे की जो लंबाई होती है वही इसकी गुणवत्ता है। जितना पतला सूत बनाना होता है उतना लंबा रेशे की रुई प्रयोग करते हैं। तो आइए, अभी आप लोगों को रुई के बारे में बताया, अब इसको कैसे चलाया जाता है आप देखिए। इसको पहले हाथ में पकड़ लेते हैं, पूनी पतला बना लेते हैं, उसके बाद ये तकले में एक छोर को पकड़ाते हैं, दाहिने हाथ से धीरे धीरे चलाते रहते हैं और इसको खींचते रहते हैं। उतना ही दाहिने हाथ को चलाते हैं जितना कि ये बट की ज़रूरत होती है इसमें, ताकि धागा टूटे ना पाए। अगर ज़्यादा बट होगा
तभी धागा टूट जाएगा, और कम बट होगा तभी धागा टूट जाएगा। धागा की मजबूती के लिए एक बराबर चलाया जाता है ताकि एक बराबर सूत भी निकले। ये है कताई की विधि, इस विधि से ही सूत को काटा जाता है। देखिए इस तरह से हम पूरा धागा यहाँ खींच लिए, बना लिए, इसके बाद पुनः वापस इसको ले आते हैं जहाँ से शुरू किए रहते हैं। उसके बाद क्रमशः पीछे मोटा और आगे पतला करते इसको लपेटते जाते हैं, फिर धागे को इसी तरह से बनाते हैं, पुनः फिर इसको पीछे ले जाते हैं और इसको उसमें लपेट देते हैं। इससे सूत काटने में आसानी होती है, ताकि खींचते समय धागा बीच में न फंसे और टूटने न पावे। अगर बीच में पहले मोटा हो जाएगा पीछे पतला होगा तो धागा खींचते समय धागा फंस जाएगा और टूट जाएगा, फिर हम नहीं चला पाएंगे। इसलिए पहले पीछे मोटा क्रमशः स्लोप में लेते चले आते हैं, और जब ये पूरा भर जाता है तो फिर इसको इस तरह से पूरा भर लेते हैं। उसके बाद इसको अटेरन पर उतार करके और कपड़े के लिए अडैप्टिंग करते हैं। सूत काटते समय सावधानी ये रखना पड़ता है कि ये जब निकाल करके हम रखते हैं इसको, तो तकले का नोक ये बहुत बारीक होता है, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है। अगर नोक टूट जाएगा तो धागा बनना बंद हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रखते हैं ताकि कहीं से टच न करे और नोक इसका बना रहे। इस तरह से डब्बे में इसको पैक कर देते हैं, फिर मुढ़िया को पीछे कर लेते हैं, और उसके बाद ये मुठिया को ठीक इसके सामने रखते हैं तो ये बंद हो जाएगा। अगर अगल बगल रखेंगे तो ये नहीं बंद होगा, तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं और फिर चरखे को बैग की तरह लेकर के हम चल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे इस चरखे के बारे में। अब इसकी पूरी विधि यही है, और इसको किस तरह से चलाया जाता है हम आप लोगों को दिखा दिए, कैसे सूत उतारा जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये हमने आप लोगों को बता दिया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इसका पुनः रख रखाव के बारे में बताते हैं। ये चलाने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, किसी प्रकार का रुई का रेशा ना रहे, नहीं तो उसमें पकड़ करके ये भी मोटा पतला होता रहता है। आइए आप लोगों को इसे आयलिंग करने के बारे में बता देते हैं ताकि सुविधा रहे। कैसे चलेगा, ये मुख्य धुरा है, मुख्य धुरा पर क्रूड आयल डाल देते हैं और फिर इसको लगा देते हैं। गति चक्र को भी गति चक्र धुरा पर क्रूड आयल डालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर माली चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये तकले के पीछे जो ये धागा लगा हुआ है इस पर क्रूड आयल डालते हैं ताकि तकला आसानी से चलता रहे। अब इसमें बस चलाने से पहले इतना सावधानी रखना चाहिए कि पर डे चलाने के पहले इसमें तेल अवश्य डाल दें। तेल अगर नहीं डाला जाएगा तो धुरा कट जाएगा या नाभि कट जाएगी, तो ऊपर या नीचे दोनों में से कोई किसी को बदलना पड़ सकता है, तो चलाने में भी असुविधा होगी और पार्ट्स भी घिस जाएंगे। इसलिए आयलिंग नेसेसरी है, आयलिंग पर डे करें और आयल लगाने के बाद ही चरखा चलाना शुरू करें।